सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द बेस्ट एवर वीडियो ऑन यूट्यूब। एंड ये सारा कलेक्शन ना अभी तक तो यूट्यूब पे बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। सो एक एक पीस ना अपने आप में एक मास्टरपीस है। Hey guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. And आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है guys. And I'm very, very, very excited about this video because मैं बहुत टाइम से ना पाकिस्तानी कुर्ता सेट्स का रिव्यू करना चाहती थी अपने चैनल पे. I know मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, but जो भी कलेक्शन आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना गाइस, ये यूनिक है। ये कलेक्शन ना आपने अभी तक तो यूट्यूब पे बिल्कुल भी नहीं देखा। एंड आई कैन गारंटी यू अबाउट इट, आई कैन बेट ओवर इट, बहुत ही ज्यादा अच्छा कलेक्शन है। और सारा ये कलेक्शन ना बहुत अलग अलग वेबसाइट से है। मतलब मेरे दिमाग में आया था ना कि मुझे भी पाकिस्तानी कुर्ता सेट्स का या सूट सेट्स का रिव्यू करना है, तो सबसे पहला प्लेटफॉर्म जो मैंने देखा था वो मीशो ही था। मैंने मीशो पे बहुत सारे सूट्स सेलेक्ट किए, पसंद किए, उनको कार्ट में डाल लिया। देन आई गॉट टू नो कि वो सारे सूट्स का ना रिव्यू आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है, या तो किसी दूसरे इन्फ्लुएंसर के थ्रू या फिर किसी और यूट्यूबर के थ्रू। मतलब वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ना उस चीज़ का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ का रिव्यू आप ऑलरेडी देख चुके हो, जिसके बारे में आपने ऑलरेडी देख लिया है, या जिसके मटेरियल की स्टफ की, मतलब जिसका रिव्यू ऑलरेडी आप देख चुके हो, उसी चीज़ का वापस से रिव्यू करने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। देन मैंने फिर अमेज़ॉन देखा, तो अमेज़ॉन पर तो पाकिस्तानी सूट सेट्स को सर्च करना ही बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि सारे ही ना सेमी स्टिच थे या फिर अनस्टिच थे। जो स्टिच सूट थे ना प्रॉपर, जो सिले सिलाए जो कुर्ता सेट्स आते हैं, वो बहुत ही रेयरली थे, कुछ ही वैरायटी थी, और वो भी ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल थी। तो ना वो सारी मेहनत मेरी वेस्ट हो गई। देन मैंने वापस से सर्फिंग करना स्टार्ट किया, वापस से सर्च करना स्टार्ट किया। एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट लिबास की। मैं लिबास का वैसे भी आपने देखा होगा, मैंने लास्ट में ना भी 2-3 हॉल ऑलरेडी डाल दिए हैं लिबास के, तो मैं लिबास ऑलरेडी सर्च कर रही थी, चेक करती रहती थी लिबास पे। तो लिबास में मुझे पता लगा कि पाकिस्तानी कुर्ता सेट्स अवेलेबल हैं, और लिबास की क्वालिटी तो आप सबको पता ही है कैसी होती है। जो सूट सेट्स मीशो पे अवेलेबल थे ना गाइस, उनका जो प्राइस था वो यही था, 1500, 1300, 1200, 1700, इसी प्राइस रेंज के थे। और सेम इसी प्राइस रेंज में ना मैंने लिबास से भी कुर्ता सेट्स परचेज किए हैं, एंड दे आर जस्ट अमेजिंग। एक एक पीस ना अपने आप में एक मास्टरपीस है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी क्वालिटी है। और लिबास की क्वालिटी आप सब जानते हैं, मतलब आप सबको पता होगा, आई नो, कि ना लिबास इज जस्ट अमेजिंग थिंग। मुझे लिबास बहुत ही ज़्यादा पसंद है, उनकी जो स्टफ की क्वालिटी होती है ना इज वर्थ एवरी ईच एंड एवरी पेनी ऑफ योर्स, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होती है। तो जितना भी सामान मैं अभी आपको दिखाऊंगी ना, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। सारे ही सारे सूट ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। एंड ये सारा कलेक्शन ना अभी तक तो यूट्यूब पे बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू द बेस्ट एवर वीडियो ऑन यूट्यूब एंड स्पेशली ऑन माई चैनल, बिकॉज आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट दिस। और मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना जब मैं ये शॉपिंग कर रही थी ना, और जब मैं ये देख रही थी कि यार ये वाले सूट्स का रिव्यू है, ये वाले कुर्ता सेट्स मैं सबसे पहले अपने चैनल पर दिखाऊंगी, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड विदाउट एनी फर्दर गो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ में। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। एंड बिफोर दैट गाइस, आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना गाइस, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उस बेल आइकन को भी हिट कर देना, बिकॉज जितने भी मेरे हॉल वीडियोस आएंगे ना, उनका नोटिफिकेशन आपको ऑलरेडी पहले से ही मिल जाएगा, ताकि आप कोई भी हॉल वीडियो मिस नहीं करें। बहुत सारे हॉल वीडियोस इन क्यू है गाइस, सो प्लीज डोंट मिस एनी ऑफ द हॉल। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द वेरी फर्स्ट कुर्ता सेट जो मैंने लिबास से परचेज किया, इसमें ना कुछ कुर्ता सेट्स लिबास के हैं और एक ही है जो किसी और ब्रांड का है, दैट इज फ्रॉम ससाफराज। ससाफराज मिंत्रा पे मिल जाता है, ससाफराज का खुद का भी एक वेबसाइट है, मैंने वहां से परचेज किया है। तो टोटल जो मैं सूट्स में आपको दिखाऊंगी ना हॉल में, ये 5 दिखाऊंगी, जिसमें से 4 लिबास के हैं और एक ही ससाफराज का है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिबास के साथ में। जो पहला सूट सेट है लिबास का, इसका नाम है ग्रीन एम्ब्रॉयडर्ड जॉर्जेट पाकिस्तानी स्टाइल सूट सेट, जो मैंने साइज एम में परचेज किया था। और इसका जो प्राइस है, दिस इज 1819 1819 का है। मैं रैंडमली कुछ भी पिक कर रही हूँ गाइस, मैं ना ऐसे नहीं कर रही कि पहले सबसे महंगा दिखाऊं या पहले सबसे सस्ता दिखाऊं, सो आई एम जस्ट पिकिंग इट अप ऑन रैंडम बेसिस। तो सबसे पहला जो कुर्ता सेट है, दिस इज इन जॉर्जेट मटेरियल में है ये, एंड दिस इज दैट ब्यूटीफुल कुर्ता सेट गाइस, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। कहोगे क्या ये प्लेन कुर्ता दिखा रही है, फिर बोल रही है अच्छा है, रुको मैं बताती हूँ। ये ना 5 का सेट है, ये कुर्ता है, नीचे इसकी पजामी है, फिर इसका एक ओवर जैकेट टाइप होता है ना वो है, उसके बाद में फिर एक दुपट्टा है, एंड द लास्ट थिंग जो उसके साथ में है, दिस इज दैट पोटली। तो लेट मी शो यू द कंप्लीट कुर्ता सेट। मैं एक एक करके ना पहले सबको डिफाइन कर देती हूँ, ताकि मैं कोई भी चीज़ ना मिस नहीं कर दूँ। तो सबसे पहले तो ये इसका कुर्ता है, जो बेसिक कुर्ता है ना इसका, वो ये वाला है। इसका जो मटेरियल है ना, ये जॉर्जेट है, अंदर की तरफ इसमें ये लाइनिंग लगा हुआ है, कट स्लीव है, आगे की तरफ यहाँ पे ये बटन्स दिए हुए हैं, एंड दिस इज आ ए लाइन कुर्ता, जो फ्रॉक स्टाइल होता है ना, फ्रॉक स्टाइल कुर्ता है। और इसका मटेरियल जॉर्जेट, मैंने बता दिया ऑलरेडी, मटेरियल जॉर्जेट है, बहुत ही अच्छा मटेरियल है, बहुत ही अच्छा मटेरियल है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मटेरियल है ये। एंड इसके बाद में अगर मैं इसके पजामे की बात करूँ, तो इसकी ना साथ में पजामी है, पैंट नहीं है, प्लाजो नहीं है, दिस इज़ अ पजामी, जो पहले पजामी चलती थी ना,
वैसे वाले ये पजामी है। दिस इज इन सिल्क ब्लेंड वाला जो कपड़ा होता है, थोड़ा शाइनी शाइनी वाला जो कपड़ा होता है सिल्क ब्लेंड वाला, वो वाला कपड़ा है। ऊपर वेस्ट लाइन पे ये इलास्टिक लगा हुआ है और नीचे की तरफ ना इसमें ये आई दिए हुए हैं, मतलब अगर आपके पैरों पे ये नहीं जाते ना तो ये इस तरह की ये चटकड़ी टाइप होती है ना, इस तरह की ये दी हुई है। एंड सो दिस इज टू, मतलब ये इनका बेसिक हो गया। पहले तो मैंने ना इन दोनों को ही स्टाइल किया था विद अ ग्रीन दुपट्टा। ये जो ग्रीन दुपट्टा है ना, ये मैं आपको नेक्स्ट सूट दिखाऊंगी उसका ग्रीन दुपट्टा है, इसके साथ में मैंने इसको स्टाइल किया था और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। साथ में मैंने ग्रीन कलर का पर्स ले लिया था और ग्रीन कलर का ज्वेलरी पहन लिया था और ये बेसिक सा सूट ना इतना ज़्यादा सुंदर सा लुक दे रहा था। आप बोलोगे कि ना क्या पाकिस्तानी सूट्स का रिव्यू कर रही है और बीच में ये पता नहीं क्या निकाल दे रही है, बट गाइस आई कैन नॉट रेजिस्ट माई सेल्फ, मैं नहीं रोक सकती अपने आप को आप लोगों को ये बताने से कि ना इस सूट को ना बहुत सारे तरीके से स्टाइल किया जा सकता है और मुझे तो ना ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर किसी एक चीज़ को मैं नंबर ऑफ तरीके से पहन पाती हूँ या नंबर ऑफ तरीके से स्टाइल कर पाती हूँ ना, तो ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि ना एक ही चीज़ को आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्टाइल करो ताकि आपका ना लुक कभी भी सेम नहीं रहे और आपको भी ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि पिक्चर्स में ना बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि वो ये ना वही चीज़ है जो आपने वहाँ पहनी थी। तो ये चीज़ मुझे बड़ी पसंद आती है। तो मैंने इस वाले बेसिक सूट को ग्रीन कलर के इस दुपट्टे के साथ वेयर किया था और आप देख लो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ ग्रीन के साथ ही वेयर कर सकते हैं, ये जो प्लेन सूट है ना, तो प्लेन सूट की वजह से ना इसको आप किसी भी कलर के साथ में कॉन्ट्रास्ट करके पहन सकते हैं। चाहे कॉन्ट्रास्ट में अपना बैग ले लीजिए, चाहे ज्वेलरी ले लीजिए, चाहे फुटवेयर ले लीजिए, बस जिस कलर का आपने दुपट्टा लिया है उसी कलर के साथ का कोई भी चीज़ ना एक एड ऑन कर दीजिए और ना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा लुक आएगा। एंड इसके साथ में जो जैकेट आई थी वो ये वाली है, एंड लुक एट द सूट जैकेट को पहनने के बाद में बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा लग रहा था। इसका जो मटेरियल है ना, ये भी जॉर्जेट है आगे की तरफ, इसमें ये मतलब पूरी ही जैकेट ना पूरी जैकेट पे वर्क हो रहा है, कंप्लीट वर्क वाला जो जैकेट होता है ना कंप्लीट वर्क में है। यहाँ पे ये इसकी एम्ब्रॉयडरी हो रही है कंप्लीट, इस पर ये इसके पीछे का पार्ट है, ये आगे का पार्ट है, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। मैंने इसके बटन बंद कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को ना थोड़ा अच्छे से समझ में आ पाए। बटन्स दिए हुए हैं जिनको ना क्लोज कर सकते हैं, तो फिर खुल गया। इसके ये बटन्स दिए हुए हैं, मैंने सारे अभी भी बंद नहीं करे। एंड दिस इज द जैकेट जिसका जो मटेरियल है मैंने आपको बता दिया जॉर्जेट में है, कंप्लीट जैकेट पे इसमें वर्क हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा वर्क हो रहा है और आप देख लो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। पहले तो ये कलर, जिस कलर का ये जैकेट है, ऊपर से इस पे जो वर्क हो रहा है इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना ये गाइस, हद हद ब्यूटीफुल है। मुझे इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना ये जैकेट, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है और इसका मटेरियल, स्टफ, क्वालिटी सब कुछ बहुत अमेजिंग है। एंड लुक एट द लुक, जो लुक आ रहा था ना इसको पहनने के बाद में बहुत ही ज़्यादा सुंदर आ रहा था। एंड दिस इज़ द दुपट्टा, दुपट्टा इसका जॉर्जेट में है, दुपट्टे के ना चारों तरफ इस तरह का ये बॉर्डर दिया हुआ है और साथ में उन्होंने ये पोटली दी है जो कि आपको कुछ और कैरी नहीं करना पड़ेगा। बाई चांस कई बार ऐसा होता है ना हमारे पास कुछ होता नहीं है कैरी करने के लिए, तो हम या तो छोड़ देते हैं, नहीं कैरी करते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ कैरी कर लेते हैं जिससे आउटफिट का लुक खराब हो जाता है। तो इसके साथ में ये पोटली आ रही है, पोटली की भी क्वालिटी अच्छी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी पोटली है। इसकी जो लेंथ है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, फोन वोन लिपस्टिक वगैरह सब कुछ आ जाएगा, बहुत सारा सामान आ जाएगा इस पोटली में। बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी इसकी ये पोटली है। दुपट्टा मैंने आपको दिखा दिया, नेट में है, नेट का ये दुपट्टा है और पहनने के बाद में आप देख लो ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना इसको पहनने के बाद में, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मुझे इस तरह के कलर्स ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और समर्स में ना इस तरह के कलर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी रहते हैं। साथ में ये जो मटेरियल है ना, ये जॉर्जेट है, तो ये बहुत ही ना समर फ्रेंडली जो कपड़े होते हैं ना, बहुत ही समरी वाले, समर के टाइम पे जो हम कपड़े पहनते हैं वो वाला ये कलर, मतलब जो कपड़ा है ना, कपड़े का जो मटेरियल है जॉर्जेट, ये वही वाला है। तो इसमें ना बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, जैसे समर्स में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है ना कुछ भी ऐसा कपड़ा पहनने से, तो ये इसका जो मटेरियल है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, समर फ्रेंडली मटेरियल है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। लेंथ भी इसकी मुझे ठीक ठाक आ रही थी, फिटिंग भी बहुत अच्छी आ रही थी, साइज मैंने इसका एम लिया था और ये बहुत अमेजिंगली मुझे फिट हो रहा था। पहनने के बाद में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, आप देख लो इसका जो डिज़ाइन है ना कितना ज़्यादा सुंदर है। एंड दिस इज हाउ इसका जो नीचे वाला डिज़ाइन है ना वो कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, ये पूरा ना पूरा ही एम्ब्रॉयडरी हो रहा है इस कंप्लीट, इस पर ना नीचे की तरफ ये एम्ब्रॉयडरी हो रहा है और वही एम्ब्रॉयडरी ना फिर धीरे 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 ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब इतना ज़्यादा सुंदर प्रीमियम सा ये लग रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड इसी कुर्ते को ना फिर मैंने एज अ ड्रेस भी पहना था। यस, पता नहीं मुझे यहाँ पे ऐड करना चाहिए नहीं करना चाहिए गाइस, बट जैसे कि मैंने वो बताया मैं नहीं रोक सकती, अगर मैंने कोई चीज़ स्टाइल करी है ना मैं आपको नहीं बताऊँगा ऐसा कैसे हो जाएगा। तो मैंने इसको ना एज अ ड्रेस भी पेयर किया था, मैंने एक सिंपल सा फुटवेयर पहन लिया था और इसको एज अ ड्रेस पहन लिया था विदाउट नेक पीस, और उसमें भी ना ये बहुत अच्छा लग रहा था। ये कुर्ता ना एग्जैक्ट जो ड्रेस होती है ना वैसा लग रहा था और मैं तो इस तरह से पहन लेती हूँ, अगर कोई जॉर्जेट का कुर्ता होता है ना उसको मैं एज अ ड्रेस पहन लेती हूँ। साथ में बेल्ट भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इस टाइम पर बेल्ट ऐड नहीं की थी,
और ये ना एज अ ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा था। सो दिस इज द 3 स्टाइल्स जो मैंने क्रिएट किए थे इस सिंगल सूट से। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट है। मैं इसको बहुत सारे तरीके से स्टाइल कर सकती हूँ, बहुत सारे तरीके से पहन सकती हूँ। दुपट्टा चेंज करके मैं इसका जो बेसिक वाला सूट है ना उसके साथ में दुपट्टा चेंज करके आउटफिट का लुक चेंज कर सकती हूँ। आई जस्ट लव इट सो मच, मटेरियल वाइज, लेंथ वाइज, क्वालिटी वाइज, कलर वाइज, फैब्रिक वाइज, एवरीथिंग इज जस्ट 100 out of 100 गाइज। 5 पीसेस मैंने परचेज किए हैं 1800 रुपये में, जस्ट कम्प्लीटली वर्थ इट है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। आई जस्ट लव दिस कुर्ता सेट सो मच, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और इसके बाद में आ जाते हैं इस हॉल के नेक्स्ट कुर्ता सेट के साथ में। तो जो नेक्स्ट कुर्ता सेट है इसका नाम है ग्रीन एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क ब्लेंड स्ट्रेट सूट सेट, जो कि ब्रांड लिबास का है अगेन, जिसका साइज मैंने एम परचेज किया था और ये मैंने लिया था 2449 में। यस, दिस इज द कॉस्टलीस्ट कुर्ता सेट इस पूरे हॉल में ना, सबसे महंगा कुर्ता सेट है। बट ये इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था ना कि मैं रोक ही नहीं पाई खुद को ना, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है यार 500 रुपये एक्स्ट्रा जा रहे हैं, जाने दो, लेकिन चीज़ अच्छी आ रही है ना। तो दिस इज दैट कुर्ता सेट इन ग्रीन कलर, और आप देख लो ये पहनने के बाद ना कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसका जो मटेरियल है ना, जो सिल्क ब्लेंड होता है ना, सिल्क ब्लेंड वाला मटेरियल है, आगे नेकलाइन पे ना इस तरह का इसका ये डिज़ाइन हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा फाइन है ये डिज़ाइन है ना, डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा फाइन है, बिल्कुल मैसी मैसी वाला होता है ना वैसा वाला डिज़ाइन नहीं है। और पूरे ही सूट पे ना इस तरह का ये डॉट 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 सिल्वर गोल्डन कलर से इस तरह के डॉट डॉट्स हो रहे हैं, और नीचे की तरफ ना वापस से इस तरह का ये बॉर्डर लगा हुआ है। बॉर्डर की ना क्वालिटी ऑफ फाइननेस देखो कितना फाइन है, इसका जो वर्क है ना काफी ज्यादा फाइन है। और इसकी ना बाजू जो है वो फुल स्लीव्स हैं, आगे की तरफ भी इसमें इस तरह का ये वर्क हो रहा है, वापस से वही एम्ब्रॉयडरी। प्लाजो में ना अंदर की तरफ इस तरह का ये लाइनिंग दिया हुआ है, लाइनिंग का जो मटेरियल है ना ये काफी ज्यादा अच्छा है, और सेम मटेरियल में ना कुर्ते में भी लाइनिंग दिया हुआ है। एंड दिस इज हाउ द लाइनिंग लुक, मतलब कंप्लीट जो नीचे तक वाली लाइनिंग होती है ना, कंप्लीट नीचे तक इसमें ये लाइनिंग आ रही है। और लाइनिंग का भी जो कपड़ा है ना, लुक एट द फैब्रिक, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट वाला कपड़ा है, बिल्कुल मतलब इरिटेटिंग वाला कपड़ा नहीं है। आप गर्मियों में ना बहुत आराम से पहन सकते हो, एकदम समर फ्रेंडली ये कपड़ा है, एंड इट लुक्स सो अमेजिंग। और इसकी वजह से ना ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था और बहुत ही ज्यादा ना कंफर्टेबल हो जा रहा था। इसकी जो इनर लाइनिंग है ना उसकी वजह से और ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा था। एंड दिस इज जस्ट अमेजिंग, दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम फ्रंट, फ्रंट से इस तरह का लग रहा था। जो सिल्क है ना ये सॉफ्ट सिल्क होता है ना, सॉफ्ट वाला सिल्क है, मतलब बिल्कुल भी ना ऐसे इरिटेटिंग वाला नहीं है। जैसे कुछ ऐसे सिल्क होते हैं ना, आर्ट सिल्क या उस तरह के जो सिल्क होते हैं ना जिनका मटेरियल बहुत ही ज्यादा खराब होता है और पहनने के बाद में बहुत ही ज्यादा चुभते हैं या परेशान करते हैं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफी ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल है इसका और पहनने के बाद में ना बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा था। इसके साथ में जो इसका पैंट है, बेसिकली पैंट नहीं है, प्लाजो है, तो दिस इज द प्लाजो। इसमें ऊपर की तरफ ये इलास्टिक लगा हुआ है, इसका भी मटेरियल एकदम सेम है जो उसकी कुर्ते का मटेरियल था, वैसा ही इसका मटेरियल है। और नीचे इसमें इस तरह का ये बॉर्डर दिया हुआ है, लुक एट द बॉर्डर, कितना बड़ा बॉर्डर है ये, और जो ये सुंदर लग रहा था, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। अब मुझे ना ऐसा लग रहा है कि इस वाले इसको ना मैं इसके साथ में भी पहन सकती थी, जो मैंने पहले आपको सूट दिखाया है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। दिस इज जस्ट अमेजिंग, देखो जरा कितना ज़्यादा ना फाइन है एकदम ना, सारा ही जो काम है ना इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फाइन है, मटेरियल की जो क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एंड देन कम्स टू दुपट्टा, एंड दिस इज दैट ब्यूटिफुल 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 दुपट्टा जो आपने पहले ही उसमें देख लिया ट्राई ऑन में। सो ये वाला दुपट्टा है एंड दिस इज जस्ट अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा ना एकदम बढ़िया वाला जो काम होता है ना, सब अच्छा वाला इसमें काम हो रहा है। कंप्लीट जो दुपट्टे पे ना चारों ही तरफ इस तरह का ये बॉर्डर दिया हुआ है, और जो क्वालिटी है ना वर्क की जो क्वालिटी है, आई डोंट नो आप कैमरे पे ना इसकी फाइननेस देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे, बट ना बहुत ही ज़्यादा फाइन है इसका कंप्लीट वर्क जो है ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मतलब कहीं से कुछ भी ना ऐसे इधर उधर नहीं है, सब कुछ एकदम तरीके से होता है ना, एकदम स्ट्रीम लाइन टाइप, तो एकदम स्ट्रीम लाइन इसका काम है। एंड द कलर इज जस्ट अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कलर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था पहनने के बाद में, तो जो मुझे मज़ा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे ये पहनने के बाद में ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत कंफर्टेबल है, लेंथ इसकी बहुत अच्छी आ रही थी, और जो इसका नीचे प्लाजो है ना ये भी बहुत सुंदर लग रहा था। इसके प्लाजो में जो नीचे इतना बड़ा सा ये बॉर्डर है ना, इसकी वजह से ये अलग ही लेवल पे जाता, कुछ अलग ही लेवल पे ये दिखाई दे रहा था, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था गाइस मुझे ना, ये कलर वाइज, लेंथ वाइज, कपड़े वाइज, हर तरीके से अच्छा लगा। आई एग्री कि ये थोड़ा सा कॉस्टलियर साइड पे है, बट ना ट्रस्ट मी गाइस, मैंने मीशो पे भी ना ऐसे बहुत सारे कुर्ता सेट्स देखे थे जो इसी रेंज में थे, पाकिस्तानी कुर्ता सेट्स इसी रेंज में थे, 2100-2200 की भी मैंने कुर्ता सेट्स देखे थे। उसके कंपैरिजन में तो ना आई वुड से कि ना ये वाला कुर्ता सेट इज मच बेटर, बिकॉज इसका जो डिज़ाइन है ना ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और बहुत ही ज़्यादा फाइन है, क्वालिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, एंड लिबास का ये कपड़ा है गाइज तो जस्ट अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग है, एंड यू हैव टू ट्रस्ट मी अबाउट इट। आ जाते हैं नेक्स्ट कुर्ता सेट पे। तो जो नेक्स्ट कुर्ता सेट है इसका नाम है पीच एम्ब्रॉयडर्ड
सिल्क ब्लैंड स्ट्रेट सूट सेट जो कि मैंने 1800 रुपये में लिया था, साइज मैंने इसका एम लिया था, एंड दिस इज दैट कुर्ता सेट एंड दिस इज द कुर्ता। ये तीन का सेट है वापस से, इसमें भी कुर्ता है, देन पैंट है और फिर दुपट्टा है। एंड लुक एट द कलर, जो पीच कलर होता है ना, प्रॉपर पीच कलर है। एंड लुक एट द सूट, ये जो सिल्क ब्लेंड होता है ना वही वाला कपड़ा है सिल्क। और आगे की तरफ इसमें ये गले पे वर्क दिया हुआ है, ये भी कंप्लीट जो एम्ब्रॉयडरीड वर्क होता है ना वैसा वाला वर्क है, गोल्डन कलर के धागे से ये वर्क हो रहा है कंप्लीट सूट पे ना इस तरह का। ये अगर आप कैमरे पे देख पाओ ना, डॉट डॉट हो रखे हैं कंप्लीट सूट पे ना आगे की तरफ नीचे तक, और नीचे की तरफ ना इसमें ये बॉर्डर दिया हुआ है जिस जो ना काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। लेट मी शो यू, इतना ज़्यादा ब्रॉड सा ये बॉर्डर है और बॉर्डर का जो वर्क है ना काफ़ी ज़्यादा फाइन है। लेट मी शो यू द वर्क, ये देखिए कितना ज़्यादा फाइन है, इसका काम जो है ना बहुत ज़्यादा फाइन है। और मटेरियल जो है ना इसका वही सिल्क ब्लेंड है, इसमें भी अंदर की तरफ में वही लाइनिंग दिया हुआ है, लाइनिंग का भी जो मटेरियल है ना जो स्टफ है बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल भी परेशान करने वाला स्टफ नहीं है, समर फ्रेंडली ये कपड़ा है। सिल्क जो ऊपर का है ना इसकी मटेरियल की क्वालिटी बहुत अच्छी है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इसके बाद में बात करते हैं अगर इसके पैंट की, तो इस तरह का इसका ये पैंट है एंड ऊपर इसमें इस तरह का ये लाइनिंग दिया हुआ है, दोनों तरफ इसमें पॉकेट्स दिए हुए हैं। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। एंड इसका जो मटेरियल है ना ये भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। सेम कलर में है ये, मतलब पीच कलर में ही इसका पैंट है। एंड दिस इज़ द दुपट्टा, एंड लुक एट द दुपट्टा। दुपट्टे में ना कम्प्लीट बॉर्डर दिया हुआ है, मतलब चारों ही तरफ जो बॉर्डर होता है ना वो दिया हुआ है, और उसके बाद में ना कम्प्लीट दुपट्टे पे ना इस तरह का ये वर्क है, मतलब वर्क वाला दुपट्टा होता है ना, कम्प्लीट वर्क में जो दुपट्टा होता है वैसा वाला ये दुपट्टा है। और आप पिक्चर में देख सकते हैं पहनने के बाद में ना ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। मुझे इस कुर्ते के लिए ना कई सारे लोगों ने बोला भी था कि नहीं ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और इट वॉज लुकिंग जस्ट अमेजिंग। मटेरियल जो है ना दुपट्टे का ये जॉर्जेट है एंड इट इज़ जस्ट अ फैब एंड अ वेरी यूनिक कलर, इतना ज़्यादा सुंदर कलर है। अगर आपको इस तरह के कलर्स पसंद है ना, ये पीच कलर टाइप्स जो कलर होते हैं, पेस्टल कलर जो होते हैं ना बेसिकली, अगर आपको ये पेस्टल कलर पसंद है तो गो फॉर दिस कुर्ता, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग इसका कलर है। इसके कलर की वजह से ना ये कुछ और ही लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा पीस है गाइस, आई जस्ट लव्ड इट सो 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 मच, जस्ट अमेजिंग। अब आ जाते हैं इस हॉल के नेक्स्ट कुर्ता सेट पे। तो गाइस दिस इज द फोर्थ कुर्ता सेट ऑफ दिस हॉल और इसका नाम है मरून योक डिजाइन सिल्क ब्लेंड अनारकली सूट सेट, जो मैंने 2000 रुपये का लिया था, 2099 का लिया था, साइज मैंने इसका भी एम ही परचेज किया था। एंड दिस इज दैट ब्यूटी, दिस इज द कंप्लीट ब्यूटी, अपने आप में ही ये ब्यूटी है, आई जस्ट लव्ड इट, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है गाइस। आई इसको जब मैंने पहना था ना, आपको दिखाती हूँ, दिस इज दैट कुर्ता सेट, लुक एट इट, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये, एकदम मरून होता है ना, मरून में भी बहुत ही प्रीमियम वाला कलर होता है ना, मतलब मरून में भी ना बहुत सारे शेड्स आते हैं, एंड अगर आप इसका शेड देख पाओ ना, प्रॉपर जो मरून शेड होता है ना, ये प्रॉपर मरून शेड है, और जो ये खिल के आ रहा था कितना सुंदर लग रहा था पहनने के बाद में, बहुत अच्छा लग रहा था ये। और इसका ना आगे की तरफ गले पे ना इस तरह का ये डिज़ाइन हो रहा है, एम्ब्रॉयडरी वाला जो डिज़ाइन होता है, कंप्लीट गले पे ये एम्ब्रॉयडरी है, आगे की तरफ में ये बीट्स दिए हुए हैं, स्लीव्स इसकी भी फुल स्लीव्स है, आप फुल स्लीव्स में आगे की तरफ इस तरह का वापस ये डिज़ाइन दिया हुआ है, आप कह लो वर्क दिया हुआ है, स्टाइल है ना ये अनारकली स्टाइल है। और जो ये सुंदर लग रहा था नीचे की तरफ इसमें ये बॉर्डर दिया हुआ था, लुक एट द बॉर्डर, कितना बड़ा सा इसका बॉर्डर है। एंड अब काम की क्वालिटी तो इनके हर एक कुर्ते में देख लो, कितनी ज़्यादा फाइन क्वालिटी का वर्क हो रहा है, मतलब बिल्कुल भी ना ऐसे ख़राब वाला या कहीं से कोई धागा निकल रहा है या मतलब बिल्कुल भी ना ऐसा वर्क नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा इसका वर्क है। मुझे तो ना इसको पहन के सबसे ब्राइडल वाला लुक फील आता है ना, ऐसा वाला फील आ रहा था, मतलब शादी वादी में तो इसको मैं बहुत आराम से पहन सकती हूँ, मेरे घर में भी शादी आ भी रही है तो आई वॉज प्लानिंग कि ना मैं इसी को पहनूंगी, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था और एकदम ना खिल के आ रहा था। सबसे अच्छी बात ये है ना कि ये कलर इतना ज़्यादा खिल के आ रहा था ना चेहरे पे, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, पिक्चर में देख सकते हैं पहनने के बाद में, इट वॉज लुकिंग फैबुलस, इट वॉज लुकिंग अमेजिंग, अ बेस्ट 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 गो फॉर एनी वेडिंग सीजन, पार्टी में पहन लो, अगर आपकी आप न्यूली मैरिड हो तो आप बिल्कुल इसको परचेज कर सकते हो, शादी होने वाली है तो भी आप इसको अच्छे से परचेज कर सकते हो, आप किसी बेस्ट फ्रेंड की शादी है या आपकी किसी फ्रेंड की शादी है, आपके भाई की शादी है तब भी आप इसको परचेज कर सकते हो, ईद आ रही है ईद पे भी आप इसको पहन सकते हो, कहीं पे भी आप इसको पहन लो, दिस विल लुक गॉर्जियस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, आई बेट अबाउट इट गाइस, आई गारंटी यू कि ये बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड इसके साथ में जो बॉटम है ना वो इसका ये पजामी है, मतलब पैंट नहीं है, प्लाजो नहीं है, जो पजामी होती थी ना पजामी है, और पजामी में भी आगे की तरफ ना इस तरह का ये एक आई दिया हुआ है, इसको आप खोलकर ऐसे पहन सकते हैं, एंड ऊपर की तरफ में इस तरह का ये इलास्टिक दिया हुआ है,
मटेरियल जो है पंजाबी का वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, काफ़ी ज़्यादा स्किन फ्रेंडली कपड़ा है। एंड इसके बाद में बात करेगा दुपट्टे की, तो दिस इज़ द दुपट्टा। दुपट्टा जो है वो जॉर्जेट में है। सारे ही दुपट्टास में ना इस तरह का ये टशल दिया हुआ है, मैंने शायद आपको पहले नहीं बताया। दिस इज़ द टशल जो सारे ही दुपट्टास में दिया हुआ है चारों ही कोनों पर। एंड दिस इज़ द दुपट्टा, इसमें भी ना कम्प्लीट बॉर्डर लगा हुआ है कम्प्लीट दुपट्टे पर, और इस तरह का ना ये डॉट डॉट दिए हुए हैं गोल्डन कलर से। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। पहनने के बाद में आप देख लो ये कितना ज़्यादा सुंदर लगा था। मुझे तो नहीं लगता गाइस कि ना किसी के ऊपर भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसको कोई भी पहन लेगा ना वो सुंदर ही लगेगा। ये कलर ही इतना ज़्यादा प्यारा है, इसका डिज़ाइन इतना ज़्यादा अच्छा है, और इसका जो स्टाइल है ना अनारकली स्टाइल बहुत ही ज़्यादा सुंदर है गाइस, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। एंड आई जस्ट लव दिस कुर्ता सेट सो मच। दिस इज़ आई एम गोइंग टू वियर, मेरे घर में जो शादी है ना मैं उसमें यही पहनने वाली हूँ। एंड आई जस्ट लाइक इट सो 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 मच, जस्ट अमेजिंग 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 कुर्ता सेट गाइस, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। एंड जाओ जाके ले लो, अगर ये स्टॉक में है ना तो गो एंड गेट इट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और 2100 रुपये में अगर ये मिल रहा है ना बेस्ट डील है गाइस, इतने कम रेंज में ना इतने अच्छे कपड़े नहीं मिलते, सो गो गेट इट, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। एंड द लास्ट पीस ऑफ दिस हॉल इज, इसका नाम है वुमन ब्लैक कॉन्ट्रास्ट लेस डिटेलिंग स्ट्रेट कुर्ता, जो मैंने 539 रुपीज में लिया था। यस गाइस 540 रुपये में लिया था, और साइज मैंने इसका एम लिया था। एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड ससाफरास। एंड इसका जो मेन पार्ट है ना वो ये है कि ये सिर्फ कुर्ता है, इसमें ना कोई साथ में पैंट या दुपट्टा वगैरह नहीं है, सिर्फ कुर्ता है। बट लुक एट द कुर्ता, दिस इज दैट ब्यूटिफुल कुर्ता। इसका ना वर्क देखो, गले पे ना इस तरह का ये वर्क हो रहा है। एंड लुक एट द क्वालिटी ऑफ दिस वर्क, इतना ज़्यादा फाइन है ये। और इस तरह का ये कुर्ता है गाइस, आगे की तरफ इस तरह का वापस से ये डिटेलिंग दिया हुआ है बाजुओं पे, जो लेंथ है ना बाजू की वो कंप्लीट फुल स्लीव्स है, भी इस तरह का ये डिटेलिंग दिया हुआ है। पीछे की तरफ भी सेम इसी तरह का ये डिटेलिंग है। एंड पीछे की तरफ से ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था, इसके ना आगे की तरफ में ना इस तरह का ये दिया हुआ है, मतलब आई डोंट नो आप कैमरे पे देख पाओगे या नहीं, इस तरह का ये दिया हुआ है, जिसकी वजह से ना ये बिल्कुल भी यहाँ से ना ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा था कि आपको नीचे शमीज़ पहनना पड़ेगा या कुछ डालना पड़ेगा ताकि सी थ्रू नहीं हो, क्योंकि थोड़ा सा डीपर है ना ये गला, देखो यहाँ तक डीपर है, तो ये यहाँ तक आ रहा था इसका गला, तो अंदर ना इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे ये कपड़ा लगाया हुआ है, जिसकी वजह से कुछ भी अंदर पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मटेरियल जो है इसका ये कॉटन का है, और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल मटेरियल है। ये भी कुर्ता ना पहनने के बाद में बहुत अच्छा लगा था, मैंने इसको अपनी एक ब्लैक कलर की पैंट के साथ पहना था जो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल था, और अब मुझे पता है कि सबके पास ही ना ब्लैक कलर का पैंट होता ही है। मेरे पास व्हाइट कलर का प्लाजो भी था, मैं इसको व्हाइट कलर के प्लाजो के साथ भी पहन सकती थी, उसके साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता। बट देन आई डिसाइडेड कि एक ना मोनोक्रोमेटिक लुक ही रखते हैं और ब्लैक के साथ पहन लेते, तो मैंने इसको ब्लैक कलर का ये वाला मेरा पैंट है जिसके साथ मैंने इसको पहना था, ये मैंने शायद आज ही उसे परचेज किया था। एंड दिस इज द कुर्ता सेट, लुक एट द लुक, कितना ज़्यादा सुंदर इसका लुक आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। अगर आपको इस तरह के कुर्ता सेट्स पसंद है ना तो दिस इज द बेस्ट टू गो, 540 रुपये में गाइस, दिस इज द स्टील ऑन डील, बहुत ही ज़्यादा अच्छी डील है। और ये ना ब्रांड ससाफरास का है, ये लिबास का नहीं है, ससाफरास ब्रांड का है। एंड दिस इज जस्ट अमेजिंग, सुपर कंफर्टेबल, इसकी जो लेंथ मुझे आ रही थी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही थी, और पहनने के बाद में भी ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत अमेजिंग लग रहा था। उसका अगर वाइट कलर के प्लाजो के साथ या वाइट कलर के पैंट के साथ पहनेंगे उसमें भी इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स, जस्ट अमेजिंग अमेजिंग सब पीस गाइस, जस्ट अमेजिंग पीस, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मटेरियल इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, अमेजिंग मटेरियल है, गर्मियों में ना बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा समर अप्रोप्रिएट है। जितने मैंने आपको सूट दिखाए ना गाइस, ये सारे ही समर अप्रोप्रिएट हैं, आप गर्मियों में आराम से पहनो, बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होने वाली, कोई इरीटेशन नहीं होने वाला, कोई इचिंग नहीं होने वाली, कोई मतलब होता है ना रैश नहीं होने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारे ही स्किन फ्रेंडली कपड़े हैं और सारे ही बहुत अच्छे हैं, सारे ही जस्ट अमेजिंग। आप मुझे बताना आपको कैसा लगा, मैं तो इतनी बार बोले जा रही हूँ कि ना अच्छे हैं अच्छे अच्छे हैं, आप मुझे बताना आपको कैसे लगे। और गाइस इसी के साथ मेरा आज का जो हॉल वीडियो ये खत्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा, इनमें से कोई ना कोई कुर्ता सेट तो आपको पसंद आया ही होगा, मुझे तो ये सारे ही बहुत पसंद है। एंड गाइस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। इससे पहले गाइस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर मी कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट रिव्यूज़ के साथ में। टिल देन गाइस अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय।